सब्सक्राइब करिए फनिक्चर रियाज चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू फर्नीचर या दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं थोड़ा अपना बोला, दोस्तों आप लोगों के कमेंट आए हैं, कई भाइयों के कारपेंटर भाइयों के कमेंट आए हैं कि सर्कल हमने माइके का काटना है तो किस तरीके से काटे। दोस्तों ये मेरे पास माइका है 0.8 का, तो दोस्तों इसमें हम सर्कल काटेंगे 1 इंची का, 1 इंची का सर्कल काटेंगे और इसी के अंदर ये वाली टिक्की दूसरे के अंदर एडजस्ट करेंगे, ऐसे हम डिजाइनिंग बनाएंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मॉलों के अंदर कई बार बड़े बड़े रिंग लगे होते हैं, वो इसी तरीके के लगे होते हैं क्योंकि दूर हाइट में लगे होते हैं तो हमें बड़े फिनिशिंग से नजर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बताएंगे हमें गोले के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी गोला कटिंग के लिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमने जब गोले का आकार बनाना है किसी भी चीज से हम, तो आकार इसका बनाएंगे तो दोस्तों ये हमने क्या करना, मेरे पास आदि भाई पोनी का है गज, तो एक धार इसकी सीधी होनी चाहिए, दोनों धारें सीधी होनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा ग्राइंडर की मदद से इसको थोड़ा सा, ये रफ में है ये, हम हाथ में प्रका के किस्म की प्रकारी बनेगी तो इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। आगे से हमने ये कोने गोल करके देखने में अच्छा लगे। अब दोस्तों इसकी हम प्रकार बनाएंगे। दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 17 नंबर की कील ठोक लेंगे। यहाँ पर कील का हमने ये देखना है कि कील हमारी गोल होनी चाहिए क्योंकि प्रकार यहीं से, हमने इसको चपटा नहीं करना है। और दोस्तों जितनी भी आपने प्रकार खोलनी है, जैसे कि आपने 4 इंची का गोला बनाना है, 8 इंची का गोला बनाना, तो आपने क्या करना है उसका, यहाँ से सेंटर से कील के सेंटर से आपने यहाँ से इसका ले लेना है 4 इंची। ठीक है, 4 इंची के बाद आपको कितना खोलना है, जैसे ये मैंने बना रखा है ये 8 इंची का है, तो मैंने यहाँ से 4 लिया, फिर मैंने 1 इंची की कील अंदर मारी तो हमारा रिंग पूरा कट जाएगा ये वाला। ठीक है, पूरा रिंग कट जाएगा। तो दोस्तों इसको मारने के लिए या तो स्टील की पिन वगैरह भी मार सकते हो, स्टील की कील आती है क्योंकि उसकी धार थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, या फिर आप नीडल का भी, सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मेरे हाथ में सुई आपको नजर आ रही होगी, नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कि यहाँ तो आपकी कील लग जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम बनाएंगे। दोस्तों ये मैंने कीले मार लिए हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, क्योंकि इस पर टकोरा काम नहीं करेगा, ठीक है, तो हम पथरी की मदद से बिल्कुल इसकी पैनी कर देंगे और दोनों ये एक जैसी साइज रखनी है ये कम। अब क्या करेंगे, हम पथरी की मदद से इसको इसकी धार लगाएंगे। आपके पास दोस्तों अगर छोटा ग्राइंडर है जिनसे ड्रिल मशीन के आगे बांध जाता है, हल्का सा छोटे वाला आता है 1.5 इंची का, उसका घेरा होता है, तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। अगर पतली से मदद से करोगे थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट होगा। दोस्तों इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी कारपेंटर भाई हैं आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। मैं शेयर करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप लोगों को अगर पता है भाई ये ऐसे हो जाता है तो दूसरे कारपेंटर भाइयों को पता लग जाए, को भी आपस में एक दूसरे को शेयर करोगे तभी दोस्तों अच्छी बात है, हमारी भी मेहनत सफल होगी तो आपका देखने का। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि वीडियो की जो सी वीडियो हमारी लंबी भी बनती है उसको स्किप करके मत देखा कीजिए, क्योंकि बीच में आप मिस पॉइंट छोड़ देते हो फिर आप कमेंट करते हो, क्योंकि मेरे बताने से नहीं होगा जितना आपको वीडियो देखने से पता लगेगा। क्योंकि अगर मैं बताना होता मैं तो फोन पर भी आपको बता सकता हूँ इसको ऐसे कर लेना, पर नहीं,
अब दोस्तों हम इसको देखते हैं चला के। हम इसको दोस्तों हमने क्या करना है, ये मेरे पास ये नहीं है, क्या नाम है, यहां पर आपने क्या करना है, कोई भी यानी कि डायरेक्ट इसके ऊपर हमने कील नहीं मारनी, क्योंकि मेरे पास दोनों तरफ वाली वो टेप वाली गम नहीं है। नहीं तो हमने क्या करना, दो सूत की प्लाई का टुकड़ा लेंगे इसके ऊपर। दोस्तों वो टेप मुझे मिली नहीं, आपने क्या करना है, ये जोन सी दोनों तरफ जोन सी टेप आती है हमारे स्टेशनरी की दुकान से आपको मिल जाएगी, इसमें क्या उसके दोनों तरफ गम होती है, हमने दो सूत की प्लाई लेनी है और उस टेप को लगा के, क्योंकि अगर सरमैके में अगर हम यहाँ पर चिपकाएंगे पॉइंट पर तो कील का यानी कि वो पॉइंट बन जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको लगा के ऐसे इसके ऊपर हम सेंटर में, जैसे हमने इधर से भी सेंटर कर लिया, इधर से इसकी मदद से हम इसको ऐसे लगा देंगे और फिर अपनी प्रकार घुमा देंगे। मेरे पास है नहीं, मैं आपको ऐसे ही करके दिखा दूँ, हम यहाँ से ले लेते हैं, वेस्ट भी नहीं होगा, इधर से देखते हैं। दोस्तों धीरे धीरे हमने क्या करना, फिर थोड़ा सा घुमा लेंगे दोस्तों, तो ये हमने कटिंग की है, ये देखो। अब हम तुम्हें कटिंग करके दिखाते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं अकेला हूं, मैं क्या करूंगा, इसको चारों कोने इसके हल्के हल्के बांध दूंगा, अभी ये हिले ना। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लाई के अंदर दोनों तरफ गम लगा लेनी है, तो इसको चिपका के, क्योंकि सेंटर पॉइंट जैसे ये हमारा खराब हो गया ना, अब मेरे पास तो है नहीं, तो हम प्लाई इसके ऊपर चिपका के, तो इसके ऊपर निशान नहीं आएगा आपका। तो हम दोस्तों ऐसे करेंगे, मैंने करना यहाँ से देख लिया ऐसे, और यहाँ देखूंगा मेरा कितना बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसकी मदद से ऐसे हम करेंगे, हम क्या करेंगे, और दोस्तों इसको इधर को नहीं घुमाना, ठीक है, क्योंकि हमने जो सी इसकी वो लगाई हुई है, जो सी इसकी धार लगाई है नीडल की, इस तरीके से लगा रखी है वी शेप में, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने वी शेप में लगा रखी है ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये धार ऐसे भी इसकी तेज है, ऊपर कोना भी बना हुआ, तो ऐसे वी शेप में भी। अब दोस्तों मैं आपके सामने करता हूँ, दोस्तों कीलों की आप सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो।
दोस्तों इसमें एक हेलपटी जूट कवर होता है, अब है नहीं मेरे पास, मैं इसलिए अकेले। इसको निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको करके हम काट लेते हैं भाई। दोस्तों वन पीस में ही निकल जाता है ये, हम इसको ऐसे काट लेंगे। हमें तोड़ने में आसानी होगी दोस्तों। और दोस्तों जैसे आपका 300 नंबर का पेपर है उसके साथ हल्की हल्की सी आप धार मार सकते हैं। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल हमारा फिट आया, इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं दूसरे पीस की भी आपको करके दिखाऊंगा। तो मैम दोस्तों ये हमारा कर चुका देखो दोस्तों, ऐसे सर्कल हो गया। और इसमें आप ये भी डाल सकते हो, ये देखो ये भी इसके अंदर पूरा पूरा आ गया। अब दोस्तों ये वाला आप इसके अंदर डाल सकते हो, ये भी पूरा पूरा आ गया। दोस्तों हल्का सा आपने क्या करना है कि सोना या ये वाटरप्रूफ का रेगमल होता है 320 नंबर का, ये दोस्तों वाटरप्रूफ रेगमल होता है 230 अपना 320 का 300 नंबर का, हल्का हल्का आपने इसको ऐसे कर देना भी हाथों पर न लगे। ये दोस्तों अलमारियों वगैरह पर भी आप इसको लगा सकते हो। ये देखिए ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आजकल डोरों पर रिंग बहुत लगे होते हैं, जैसे ये हमने डोर अलमारी के बड़े बड़े पल्ले होते हैं, ये इनके ऊपर रिंग ऐसे लगे हुए होते हैं। आप इसको अगर आपके पास एक ही शीट है तो दोस्तों आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो, डीको वगैरह भी मार सकते हो। जैसे ब्लैक कलर का डीको स्प्रे आता है हमारा 60-70 रुपए का आता है, इसको जो से मर्जी कलर में कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको सीटें अलग अलग लेनी है, क्योंकि एक रिंग के लिए पैसा खर्चने इतना वो वाला काम नहीं है, दिमाग वाला काम नहीं है। इसको आप डीको पेंट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मैं और भी 5-6 मॉडल इसके तैयार करके दिखाता हूँ।
तो इसी ढंग से होंगे दोस्तों ये तैयार। दोस्तों वो हमने पहले डार्क में काटा था, ये हमने ब्लैक में लिया थोड़ा सा, और वो लाइट में था सॉरी। दोस्तों इससे बड़े आप अच्छे डिजाइन निकाल सकते हो, इसके अंदर ना थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, एक दो बार आपका हाथ नहीं बैठेगा। मैंने तो 2 कीलें लगाई हैं दोस्तों, पहले आप क्या करते हो 1 कील भी लगा सकते हो, बाहर का काट लो तो उसके बाद, क्योंकि इसमें जान भी ज़्यादा लगती है, मेहनत ज़्यादा इसके अंदर। दोस्तों कट ही चुका हमारा ये पूरा, दोस्तों सीटें काफ़ी पुरानी हैं ये मेरे पास, यानी कि सीट टेढ़ी हो चुकी हैं, इसके लिए चाहिए सीधी सीटें, यानी कि ऐसे ताज़ी सीट हम लेके आते हैं, क्योंकि हमने इनका रोल करके कर रखा हुआ, ये बैंड हो रखी है तो करके थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये देखिए दोस्तों, ये भी एकदम दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल फिट आ गया, बिल्कुल पैरेलल आ गया इसके, ये काफ़ी डिजाइन काट दिए, एक दो आपको पीस और काट के दिखा देता हूँ। दोस्तों अब हमने पहले तो हमने 2 नीडल्स मारे थे, अब हमने इसके अंदर सिंगल मारा है। ये देखो दोस्तों कितनी आसानी से कट गया ये, इसमें मैंने सिंगल मारा है, अगर आप डबल करना चाहो तो डबल में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें दोस्तों हमने ये करना है उस वाले, इस वाले में हमने क्या किया, इसके अंदर जो सी निडल मारी है ना हमने ऊपर से मारी है, हमने ऊपर से नहीं छोड़ी, हमने ये निडल ना, ये देखो जो सी कपड़े सिलने वाली मशीन में लगती है ना वो वाली नीडल ली है हमने, क्यों हमने इसको यहाँ से मारा है। दोस्तों दूसरे कलर का हमने मैटा लिया है, अब इसमें क्या किया है दोस्तों, हमने दोनों नीडल नीचे उतार दिए, दोस्तों इसके अंदर आपने क्या करना है, कील नहीं मारनी, तो कील की धार तो आपका एक भी पॉइंट नहीं वो काटेगी।
ये देखो दोस्तों, ठीक है, इसको दोस्तों ऐसे भी लगा सकते हो जैसे आपका डिजाइन चाहे, जैसे आपका दिल करे आप वैसे इसको फिट कर सकते हो। ये व्हाइट के ऊपर आपको रख के दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, इस काम की फिनिशिंग बड़ी जबरदस्त आती है। क्योंकि आपको मैं बताऊं दोस्तों, इसको क्या आप कर सकते, इसका जो सा है क्या, अगर आप सोचो भी 200 की गुलाई के फरमे से हम कटिंग कर ले, वो कभी नहीं हो सकती। कभी भी आपकी कटिंग आएगी ऐसे प्रकार बना के आएगी, और इसके अगर कीले नहीं मारनी, कील आपने क्या करना है इधर की तरफ मार लेनी है, और आपने नीडल्स वो वाली लेनी है, सुई वो वाली लेनी है जो सी कपड़े सिलने वाली होती है, कपड़े सिलने वाली सुई आपने उल्टी मारनी है, जो सा पतली वाली तरफ है वो बाहर निकाल देना है, और जो सा मोटे वाले तरफ है वो यहाँ से आपने ठोकनी है। क्योंकि अगर ये दबा के ना पीछे ना निकले, अगर आप पतली इधर से मारोगे तो ऊपर को चढ़ जाएगी। ये हमने उल्टी करके मारी है दोनों सुई, क्योंकि ये हमने कील की मार ली, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारी मेन तो ये है। इससे आप कम से कम 15-20 पीस इकट्ठे काट सकते हो। अब देखो हमने कितने पीस काटे हैं, एक ये काटा, ये काटा हमने। अब मैं आपको इसमें एक वाइट भी करके दिखाता हूँ इसके अंदर। ये देखो दोस्तों, अब मैं ये इसके अंदर लगा के दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों पूरा इसका एक ही प्रकार का है, ये भी एक ही प्रकार का है। दोस्तों कमाल पता किस चीज का है, सफाई किस चीज से आ रही है, जितनी भी आ रही है, ये हमने जो सी सुई लगाई है, जो सी अपनी मशीन में लगती है कपड़े सिलाई वाली, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये वो वाली सुई आपने लगानी है, ठीक है। ये मोटी वाली लगानी है, जो ऊपर ऊपर से मोटी होती है, यहाँ पर हम कसते हैं, नीचे से पतली होती है, ये वाली सुई लगानी है। दोस्तों कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये काम सारा। ये देखिए तो आप लोगों भाइयों के कमेंट आए थे, काफ़ी पीस हमने काट काट के दिखा दिए आपको। ये इसके साथ कर सकते हो आप, ये इसके साथ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये हमने इसके साथ कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये सीटें घूमी हुई है तो करके थोड़ा सा फर्क आ रहा है, जो सी बैठनी है वो ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये इसके साथ कर दिया हमने, ठीक है। आप ऐसे इसको कर सकते हो, चलिए दोस्तों। ये आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों कमेंट जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना साथ। दोस्तों कईयों मेरे वीरां दे पंजाब तो कमेंट आते हैं कि थोड़ी वीडियो नहीं साढ़े को आती। दोस्तों तुम सबसक्राइब तो कर लिया है, तो बैल का बटन नहीं दबाया। बैल का तीन बैल होंगे, एक तो दो बैलें सिंपल होती है, एक बैल सबसे ऊपर होती है जिसमें दोनों तरफ डंडी होती है, आपने वो वाली बैल दबा देनी। सिर्फ बैल आपने एक बार दबानी है, और सब्सक्राइब भी आपने एक बार करना है, लाइक तो आप बेशक 50 बार कर दो, उसकी कोई डर नहीं। और ये वीडियो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने शेयर करनी है, ज्यादा से ज्यादा जितनी शेयर हो चुके, अगर आपको पता है तो आगे और आपने कारपेंटर भाइयों को ये चीजें बतानी है। I'm
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.